basically on next question is calculate the profit for the previous month variance and month on month percentage change. So main kya karunga, do I need to repeat that stuff again? Of course not. What I will do, I will only change for now. Yahan pe main change main ko kuch nahi karunga, only I will go here previous day. Sorry, previous day tha. Isko main kya karunga, isko calculate total profit tha na, previous day ke jagah pe kya karunga, yahan pe previous month, kyunki hamara kya tha month. यहाँ पे मैं मंथ चेंज करूंगा, बाकी कोई चीज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट नेम, और ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा. जैसे ही मैं करूंगा आप देखो कि चेंज प्रीवियस डे वराइन सब चेंज हो जाएगा. लेकिन एक इशू आएगा क्या, आप देखो कि कैलकुलेट तो हो गया है लेकिन ये क्या हो रहा है कि सब में जीरो 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 क्यों दिख रहा है, राइट? सो देयर इज अ इशू बिकॉज वी हैव टेकन एज अ मंथ, लेकिन हमारा इसके अंदर में डे भी अवेलेबल है, तो डे का पूरा कंसिडर कर रहा. तो हमको डे को यहां से रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टेकन अ मंथ. तो अब मंथ ऑन मंथ आपका परसेंटेज चेंज दिख रहा है. तो ये मंथ ऑन मंथ काफी ज्यादा यूजफुल होता है आप जब एनालिसिस करोगे रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर में. सो वी आर एबल टू सॉल्व वेरियंस, चेंज परसेंटेज मंथ ऑन मंथ का दिखाएगा, क्योंकि चेंज के अंदर में आप अभी जाओगे ना, मैं वो भी दिखा देता हूँ. चेंज के अंदर में जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, प्रीवियस मंथ, क्योंकि वहां पे हमने नाम चेंज किया था प्रीवियस मंथ. और वेरियंस भी जाओगे तो वेरियंस भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस मंथ माइनस आपका टोटल प्रॉफिट आएगा, राइट? सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक.